हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको कि मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फोर्स। ओके, फोर्स के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, सेम चीज यहाँ पे भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली फोर्स है क्या, तो आप बताएंगे कि एनी एफर्ट in the form of push and pull is called force। means to say कि कोई भी एक तरीके का effort जिसमें push या pull involve हो तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, force है। okay, तो nature में जितने भी forces आपको मिलेंगे वो या तो push के form में होंगे या तो वो pull के form में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, मतलब ये है कि जैसे कि कहीं पे भी फोर्स लग रहा है तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं वहां पे फोर्स जो है क्या है, अप्लाई हो रहा है। ओके, या अगर हम दूसरे एंगल से कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर फोर्स लग रहा होगा तो वो इफेक्ट वो फोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहली जो चीज है इफेक्ट ऑफ फोर्स में वो ये है कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता है, मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है तो उसकी स्पीड क्या जीरो है, आप उस पर फोर्स अप्लाई की और वो मूव करने लगा तो उस फोर्स ने क्या किया, एज ए इफेक्ट उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। या कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, आपने उस पर फोर्स जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होके 3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे भी उस फोर्स ने क्या किया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। या कोई ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, आपने जो है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, स्पीड आपका चेंज हो गया। तो पहला जो इफेक्ट है जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो ये है कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ओके, दूसरी चीज ये है, ठीक है, कि फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज करता है, कर सकता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर हम उस पर फोर्स लगा दें या फोर्स लगाएंगे तो वो अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो होगी वो बिना फोर्स अप्लाई किए हुए नहीं चेंज हो सकती, अपने आप नहीं हो सकती। तीसरा इफेक्ट है जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो ये है कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की शेप साइज को बदल सकता है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया उसको हमने जो है क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि पहले उस ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी थी अब वो कंप्रेस होके छोटी हो गई। ठीक है, तो ये जहां पे भी इस तरीके की चीजें आपको ऑब्जर्व हो तो आप ये समझ आइए कि उस पे कहीं ना कहीं फोर्स किसी भी तरीके से लगा है तभी ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में, लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये इनर्शिया बेसिकली है क्या, ये इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, क्या है इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट है उसमें मास है तो ये प्रॉपर्टी उसके साथ होगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब उसके पास मास नहीं है तो ये प्रॉपर्टी उसके साथ नहीं होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, कि अगर एक चीज है तो ये पाई जाएगी और अगर ये पाई नहीं जा रही तो मतलब वो चीज नहीं है, तो ऐसे चीज को हम लोग इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो
अपने स्टेट के चेंज को अपोज करें। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करे, उसको अपोज करे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग जो है कहते हैं इनर्शिया। ओके, मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो अगर आप उसको ठीक है रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी स्पीड को धीरे करने की कोशिश करेंगे, तो वो ये चाहेगा कि मैं इस जो है रुकने को अपोज करूं, क्या करूं, रुकने को अपोज करूं। तभी तो आपको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो आप जब उसको फोर्स लगा के उसको मोशन में ले आने की कोशिश करते हैं, तो लगाते ही वो तुरंत मूव करना शुरू नहीं हो जाता है, बल्कि जो है कुछ देर तक वो अपनी कुछ देर तक क्या वो मोशन के ड्यूरेशन में भी अपने उस स्टेट के चेंज को अपोज करता है। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। वो ये चाहेगा कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो ना हो, मैं अपनी पुरानी स्टेट में ही रहूं। मतलब अगर रेस्ट पे है तो मैं मोशन में जाने के अपोज करूंगा, मोशन में हूं तो ठीक है रेस्ट पे जाने से अपने आप को रोकूंगा, किस प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया की वजह से। ओके, तो अब इस इनर्शिया की अगर हम कैटेगरी की बात करें, इसको और कैटेगराइज करें, तो इनर्शिया का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो तीन टाइप का होता है। पहली चीज होती है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो क्या है मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि मैं अपने मोशन को क्या है बनाए रखूं, ठीक है। आप तब तक उसके मोशन को ठीक है कम नहीं कर सकते जब तक कि उसको बाहर से फोर्स लगा के उसको जो है ऐसा करने से रोका ना जाए, ठीक है। या यूं कहें कि लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी है वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगी, तब तक करेगी कि जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उसको कंपेल ना किया जाए कि तुम अपने स्टेट को जो मोशन वाली है उसको चेंज करो, धीरे धीरे तुम क्या करो रेस्ट पे आओ। ओके, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि जैसे कि आप जो है कोई बस है, क्या है कोई बस है, आप उसमें जो है उसके जो कॉरिडोर में है उसमें क्या है आप खड़े हैं, तो बस आपकी क्या कर रही है मूव कर रही है, क्या कर रही है मूव कर रही है, और एज अ बॉडी आप अपनी बॉडी लेके उस बस के अंदर है, तो आपका जो पैर है वो कॉन्टेक्ट में है बस के सरफेस के साथ, तो बस भी मूव कर रही होती है और आपका जो है क्या होता है बॉडी भी उसी स्पीड से जो है बस की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। लेकिन क्या होता है अचानक जो है अचानक ड्राइवर जब ब्रेक मारता है तो आपने कुछ इफेक्ट देखा होगा, अचानक से होता है, तो वो देखते हैं क्या होता है कि जब आप ड्राइवर ब्रेक को प्रेस करता है तो जो आपका बस है वो क्या होता है सडन रुक जाता है, और आपका जो निचला हिस्सा मतलब जो पैर है वो भी बस के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, क्या है बस के कॉन्टेक्ट में, वो भी क्या होगा सडन रेस्ट में हो जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या है वो अभी मोशन में क्या करेगी रहना चाहेगी, क्योंकि वहां पे क्या इनर्शिया ऑफ मोशन है अप्लाई होगा, ठीक है। वो बॉडी क्या होगी वो चाहेगी कि मैं पहले जैसे मूव कर रही थी वैसे अभी भी मूव करूं, तो वो इस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो बॉडी क्या होगी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो आप देखते होंगे कि जब सडन जो ब्रेक मारी जाती है तो आदमी क्या होता है आगे की तरफ दौड़ के क्या है चला जाता है, रीजन क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, वो नहीं चाहती है बॉडी कि मैं रुकूं, ओके, तो वो नहीं रुकती है और कहां चली जाती है पीछे से सरसरा के कहां आगे की तरफ, क्लियर है ये बात। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या है दूसरा जो
लॉ है इनर्शिया का, वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बेसिकली क्या है, जैसे मोशन है वैसे ही है, लेकिन ये उसका अपोजिट है। ये कहता है मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी या रहेगी जब तक कि उसको के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उसको मजबूर किया जाए, उसको कंपेल किया जाए मूव करने के लिए। ओके, इसका भी हम एग्जांपल लेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे एग्जांपल लेंगे, सेम पिछले वाले केस की तरह, लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, एक बस है रुकी हुई है, क्या है बस रुकी हुई है, पर आप जो है पकड़ के कॉरिडोर में जो है खड़े हैं। ठीक है, तो जब बस जो है जो पहले रुकी थी और मूव करना शुरू कर गई तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो भी क्या बस के साथ मूव कर जाएगी, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है जो कि बस के कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो पहले रेस्ट में थी और वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगी, तो ये पोर्शन आपका आगे चला जाएगा और ये वाला जो है यही रुका रहना चाहेगा, तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा पीछे की तरफ धक्का खा जाएगा, अच्छा झटका उसको मिलेगा। आप प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सपीरियंस करिएगा, कभी आप इस पे गौर भी करिएगा कि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि आप कॉरिडोर में बस के खड़े हैं, आप कॉरिडोर ही जरूरी नहीं है, आप सीट पे भी बैठे हो तो आप देखेंगे कि ठीक है अचानक जब बस चल पड़ती है तो आप पीछे की तरफ झटका खा जाते हैं। रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, क्योंकि बॉडी क्या है रेस्ट पे रहना चाहेगी, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है मूव कर रही है बस के साथ अचानक से, तो ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो क्या होगा पीछे ही झटका खाएगी। ओके, अब उसके बाद जो अगला लॉ है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आप देखेंगे कि ये कहता है, ये लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर सकती तब तक जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी डायरेक्शन को बदल नहीं सकती। ओके, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, और इसी को हम लोग जो है इनर्शिया ऑफ क्या कहते हैं डायरेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें भी आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आप मान लीजिए कोई गाड़ी है कार है छोटी सी, उसमें आप बैठे हुए हैं, क्या है बैठे हुए हैं और एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में है, लेकिन जाते जाते एक टर्न आया, क्या है टर्न आया, और उस टर्न पे जब गाड़ी मुड़ रही होती है आप देखेंगे कि एक तरफ जो है क्या होता है आप जाने लग जाते हैं, तो वो एक तरफ जाने के पीछे रीजन क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है भाई, इससे पहले जब गाड़ी आपकी मुड़ी नहीं थी तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन आप गाड़ी किधर जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन आपकी बॉडी कहेगी कि मैं इधर नहीं जाऊंगी मैं तो क्या है इधर ही जाऊंगी, किसकी वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, तो इस वजह से आपको फील होता है जैसे कि आप बाहर की तरफ क्या है निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना।